हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक करियर टुडे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया सी इंटरेस्टिंग सी वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि मॉल से है। जी हाँ, रिटेल मॉल में 2023 की रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है। बहुत सारी 10,000 से भी ज़्यादा, 9,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, सिर्फ 10वीं पास है, तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे बैठे। जी हाँ दोस्तों, कम पढ़े लिखों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर निकल कर आ चुका है। यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। कौन सी लोकेशन पे कौन सी वैकेंसी निकल कर आई है, सैलरी पैकेज आपको कितना मिलने वाला है, काम क्या करना होगा मॉल में आपको, जी हाँ, और इसको अप्लाई कैसे करना है, कितने घंटे की शिफ्ट रहेगी, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने वाली हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आपको यहाँ पे काम क्या करना होगा मॉल में। आप मॉल जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, काफ़ी सारे वहाँ पे स्वीपर्स होते हैं, और बहुत सारे वहाँ पे मैनेजर्स फ्लोर पे होते हैं। तो वही मॉल पे, रिटेल मॉल में वैकेंसी निकल कर आई है। मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके बताऊँगी आपको यहाँ पे करना क्या रहेगा और कितने पढ़े लिखे होने चाहिए मॉल में वैकेंसी, मॉल में जॉब करने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक भी कीजिए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट ऑन माय कंप्यूटर स्क्रीन। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिटेल मॉल जॉब वैकेंसी 2023 निकल कर आ चुकी है, मल्टीपल 9,000 से भी ज़्यादा। 9,000 बहुत बड़ा वैकेंसीज होती है दोस्तों, 9,000 से भी ज़्यादा मॉल में वैकेंसी निकल कर आई है। अब यहाँ पे नीचे है शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे रिटेल शॉपिंग मॉल जो है इनवाइट्स कर रहा है न्यू कैंडिडेट को मल्टीपल वैकेंसीज के लिए। जी हाँ, बहुत सारी वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है आपको। यहाँ पे सैलरी क्या मिलेगी, एज लिमिट क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। अब बात करते हैं नीचे यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन में, तो ऑनलाइन मोड ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई फीस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरी सारी वीडियो में आप देखेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी लोगों की यहाँ पे जॉब भी लगी है, 100% फ्री अप्लाई है, कोई आपको पैसे नहीं देने हैं, कोई फॉर्म फिल करने के पैसे नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपसे पैसे मांगेंगे, बिल्कुल नहीं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसे अप्लाई यहाँ पे करना है। पोस्ट नेम और लोकेशन की बात करते हैं मेन, यानी कि सेल्स की यहाँ पे पोस्ट निकल कर आई है, जिसमें बॉय और गर्ल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे निकल कर आई है, कैशियर की निकल कर आई है, स्टॉक एग्जीक्यूटिव, स्टोर मैनेजर, वेयर हाउस एसोसिएट, सेल्स एसोसिएट, कस्टमर केयर, और नीचे देख सकते हैं यहाँ पे वर्चुअल मर्चेंडाइजर, गेट कीपर, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, इन्वेंट्री कंट्रोल स्पेशलिस्ट, क्लीनिंग स्टाफ की भी निकल कर आई है यहाँ पे जॉब, मेंटेनेंस स्टाफ की और सिक्योरिटी गार्ड की। आप देख रहे हैं दोस्तों कितनी सारी यहाँ पे वैकेंसीज निकल कर आई है। ये लोकेशंस जो है ना, आपके घर के पास भी लोकेशन हो सकती है, मैं आपको अभी बताऊंगी कि लोकेशन क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज निकल कर आई है वो सेल्स बॉय की है। सेल्स में आपको जहाँ पे क्या करना होता है, सेल्स में आपको सेल्स करने होते हैं, प्रोडक्ट सेल्स करना होता है। आप देखते होंगे मॉल में काफ़ी सारे लोग खड़े रहते हैं, जिसमें गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज़ भी होते हैं। स्पेसिफिक किसी, जैसे कि आप कुछ क्लोथिंग में जा रहे हैं, कुछ कपड़े खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे खड़े रहते हैं वो, और आपको ऑफर्स बताते हैं वो कि आप, मैम आपका ये ऑफर्स चल रहा है आज का, तो आप लेना चाहेंगे, बस आपको यही करना है और कुछ नहीं करना। सेल्स एग्जीक्यूटिव सेम रहेगा, सेल्स में भी आपको प्रोडक्ट सेल्स करने होते हैं। कैशियर में आप देखते होंगे मॉल में अगर कुछ खरीदते हैं आप, वहाँ पे कैशियर पेमेंट जब करते हैं ना, तो वहाँ पे कैशियर बैठे होते हैं, तो उसकी पेमेंट इनवॉइस वगैरह आपको देते हैं, तो वो उसे कैशियर की वैकेंसी है यहाँ पे। स्टॉक एग्जीक्यूटिव है, स्टोर मैनेजर है, वेयर हाउस में आपका वेयर हाउस रहेगा, जैसे कि सपोज मॉल में काफ़ी सारी चीज़ें होती है लेने की, तो वो एक वेयर हाउस होता है उनका, तो उस वेयर हाउस में आपकी यहाँ पे जॉब लगेगी। सेल्स एसोसिएट रहेगा, कस्टमर सर्विस डेस्क में आपको जो भी क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मॉल से रिलेटेड, कपड़ों प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्लोथिंग से रिलेटेड, तो आप उन्हें जाकर आप उनको क्वेरी बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे ये सर्च कर रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहा, या मुझे ये चाहिए, या ये ब्रांड का चाहिए, तो वो आप वहाँ पे उनसे जा सकते हैं, उनकी कस्टमर की क्वेरी रिजॉल्व करनी होती है। गेट कीपर में आप देखते होंगे मॉल के बाहर जो गेट कीपर्स होते हैं, जो पार्किंग के लिए खड़े होते हैं, वहाँ पे भी पोस्ट निकल कर आई है। इन्वेंट्री कंट्रोल की निकल कर आई, क्लीनिंग में वहाँ पे मॉल के बाहर या अंदर क्लीनिंग स्टाफ रहता है, मेंटेनेंस स्टाफ रहता है, और सिक्योरिटी गार्ड तो काफ़ी सारे रहते हैं। यहाँ पे वैकेंसीज जो निकल कर आई है, भरपूर वैकेंसी निकल कर आई है। आप इसे, आप अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसे अप्लाई कर सकते हैं।
काम आपका यहाँ पे 7 से 8 घंटे का रहेगा, कोई आपको यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है आपका यहाँ पे, और कम पढ़े लिखे से लेकर ज़्यादा पढ़े लिखे तक यहाँ पे वैकेंसीज आपको मिलेंगी। अब लोकेशन की बात करते हैं नीचे, तो लोकेशन आपका ऑल ओवर इंडिया है, नियरेस्ट टू योर लोकेशन। आप कहीं पे भी रह रहे हो, सपोज दिल्ली में रह रहे हो, तो दिल्ली के आसपास आपके नियरेस्ट लोकेशन कौन सा पड़ता है, वहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। आप अगर महाराष्ट्र मुंबई में रह रहे हो, तो मुंबई के आसपास में कौन सा स्टोर है रिटेल मॉल का, तो वहाँ पे भी आपकी जॉब लग सकती है। चाहे आप देहरादून में रह रहे हो, चाहे पुणे में रह रहे हो, नासिक में रह रहे हो, आपके घर के नियरेस्ट स्टोर पे आपकी वैकेंसी लग सकती है। दोस्तों बहुत अच्छा सुनहरा अवसर निकल कर आ चुका है ये आप लोगों के लिए। ड्यूटी जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका जो टाइमिंग रहेगा ना, वो 8 से 12 आवर्स का, वैसे तो 8 घंटे का ही रहता है, इनकेस कभी कभार अगर आपका थोड़ा सा ओवर टाइम लग जाए तो ओवर टाइम के आपको पैसे भी मिलते हैं यहाँ पे। 1 घंटे का आपको यहाँ पे ब्रेक मिलेगा, 15 मिनट का आपको टी ब्रेक मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सो 8 से 12 घंटे का ड्यूटी रहेगा आपका, 1 घंटे का जिसमें आपका लंच ब्रेक रहता है और 15 मिनट का आपका टी ब्रेक रहता है, और हफ्ते में एक छुट्टी आपको रहेगा यहाँ पे, अ वीक ऑफ एवरी मंडे एवरी वीक, एक हफ्ते में एक छुट्टी आपका रहेगा। और टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है और आपका छुट्टी भी बता दिया है, तो ये टाइमिंग का स्केड्यूल है यहाँ पे। हु कैन अप्लाई, अब बात करते हैं यहाँ पे, ऑल ओवर इंडिया जैसे कि मैंने आपको बताया, महिला पुरुष या मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर और एक्सपीरियंस वालों, जी हाँ, अगर आप फ्रेशर हैं, सिर्फ 10th पास है, कुछ भी आपको नहीं आता, तो आपको यहाँ पे वैकेंसी मिल सकती है। दोस्तों फ्रेशर्स वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। जी हाँ, और रही काम की बात, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी मॉल की तरफ से कि आपको काम क्या करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें तो कुछ आता नहीं है, सिर्फ हम 10वीं पास है, हमें तो कहीं काम ही नहीं किया, फ्रेशर हूँ मैं, तो आपको कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी आपको काम क्या करना होगा। तो फ्रेशर्स वालों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है, एक्सपीरियंस वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया हु कैन अप्लाई। अब एज लिमिट की बात करते हैं, 18 साल कम से कम आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम कम से कम 53 ईयर्स आपका होना चाहिए। तो मैक्सिमम तो 53 ईयर्स आप होने चाहिए, 53 साल के, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन ओबीसी 3 साल है, SC ST 5 साल है। जी हाँ, ओबीसी 3 साल रहेगा, SC ST 5 साल रहेगा, एक्स सर्विसमैन 10 साल है। एप्लीकेशन 100% फ्री है दोस्तों, सारी मेरी जो भी वैकेंसीज आप देखेंगे मेरे चैनल पे, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको बताती हूँ। सैलरी पैकेज कितना रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है। तो सैलरी पैकेज दोस्तों इसमें आपका रहेगा 8,500 से लेकर 45,000 महीने का, मैं आपको बता रही हूँ, आपकी पोस्ट और आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप एक्सपीरियंस है और अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है, तो 40 से 50 हज़ार आपके कहीं नहीं गए, महीने का आप कमा सकते हो। अगर आप 10th पास है और कम पढ़े लिखे हैं और आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो 10,000 से 15,000 बहुत ईजिली आप ले सकते हैं मॉल की तरफ से, सैलरी पैकेज आपको मिलने वाला है। सैलरी पैकेज के साथ साथ आपको बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर आपकी एक बारी जॉब लग जाती है, बहुत ही बढ़िया बेनिफिट्स आपको मिलेंगे मॉल की तरफ से, कंपनी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, तो डॉक्यूमेंटेशन आपका रहेगा ऑलवेज कैरी योर ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आपको वहाँ पे कैरी करने हैं। 10th पास है तो 10th का सर्टिफिकेट आपका चाहिए होगा, 12th पास है तो 12th का सर्टिफिकेट आपका चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सारी चीज़ें आपकी चाहिए होगी। तो ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ प्रिपेयर करके जाना, अपना एक रिज्यूमे भी बना लेगा, रिज्यूमे प्रोफेशनल रिज्यूमे बना के ये सारी चीज़ें लेके जाना साथ में, अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं इंटरव्यू के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, 8वीं पास है तो लो, इससे बढ़िया क्या चाहिए आपको, और 8वीं पास वालों को भी हायर कर रहे हैं दोस्तों। 8वीं पास है पर कम पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं, मॉल में आपकी जॉब लग सकती है। 10th पास, 12th पास, ITI ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एक रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे होने चाहिए। तो 8वीं पास वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। कुछ भी नहीं आता है फिर भी आपकी जॉब यहाँ पे लग सकती है, आप सेल्स में जा सकते हैं, कस्टमर सर्विस में जा सकते हैं। आपको काम मैंने बता दिया है ऊपर कि काम आपको क्या करना रहेगा, क्लीनिंग की भी निकल कर आई है, स्टाफ की भी निकल कर आई है। आप मॉल में देखते होंगे क्लीनिंग स्टाफ भी रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं जो आपको गाइड करते हैं। तो ज़्यादा इसमें प्रेशर्स वाली जॉब नहीं है, बहुत इजी जॉब है यहाँ पे। सैलरी पैकेज आपको 8,000 से लेकर 15,000 तक मिल सकता है, 8वीं पास वाले लोगों की मैं बता रही हूँ, 8,000 से लेकर 15,000 तक बहुत इजी आप कमा सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा,
रिक्रूटर विल कंडक्ट इंटरव्यू, आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा जो भी सिलेक्ट कैंडिडेट है मॉल जॉब वैकेंसी के लिए। आप अगर एक्सपीरियंस है तो आपका पास एक्सपीरियंस पूछेंगे, अगर आप फ्रेशर है तो ज़्यादा नहीं, आपसे जस्ट पूछेंगे आपको क्या आता है, कितने पढ़े लिखे हैं आप, तीसरा आप क्यों जॉब करना चाहते हैं। तो आप थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, जो कम पढ़े लिखे हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ, थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा घर से, ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। अगर सपोज़ आप सेल्स के लिए जा रहे हैं तो वो आपसे पूछेंगे सेल्स आपको आती है करनी, आप कैसे करेंगे सेल्स, तो ये आप पढ़ेंगे गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा आपका इंटरव्यू क्रैक। बस और कुछ नहीं, सिर्फ इंटरव्यू आपको देना है। वो दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ें एक एक करके बता दी है कि आपको यहाँ पे जो है पोस्ट कौन सी निकल कर आई है, काम क्या करना है, कितने घंटे काम करना है, इवन मैंने आपको सैलरी पैकेज भी बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आपको इसके अप्लाई कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, तो अप्लाई के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया है, उस पर क्लिक करना है, बहुत सारी पोस्ट निकल कर आएगी जो मैंने आपको बताई है, उसमें से एक पोस्ट में आप इंटरेस्टेड है उस पर क्लिक कीजिए, अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, आप अप्लाई कर दीजिए। बहुत इजी स्टेप मैंने आपको बताया है, कोई मैंने आपको ये नहीं बताया ये फॉर्म फिल करना है वो फॉर्म फिल करना है, आपको घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हैं एक क्लिक के साथ और आपकी मॉल में जॉब लग सकती है। दोस्तों कोई दिक्कत परेशानी आती है कमेंट बॉक्स में हम शेयर कीजिएगा, हम जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।